नमस्कार, 7 प्लस हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा कौल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा, 2 की मौत, 4 घायल, मृतकों के परिवार को 5 लाख की सहायता की घोषणा। बड़गाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर। कछुआ में युवती का अपहरण कर 14 लोगों ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने पुलिस से बयान किया दर्ज। और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से पुलिस ने कोट भगवाल स्थित केंद्रीय जेल परिसर में चलाया तलाशी अभियान। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में रविवार को निर्माणाधीन जम्मू रोपवे परियोजना की केबल कार के बचाव कार्य की प्रैक्टिस के दौरान हादसा हो गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 4 अन्य जख्मी हो गए। कुछ दिनों बाद ही इस रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किए जाने की बात भी कही जा रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रविवार शाम महामाया मंदिर के नजदीक तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ। परियोजना पर काम कर रही कंपनी बचाव काम की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान 6 मजदूरों को लेकर जा रही एक ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली मजदूरों समेत नीचे गिर गई। इस हादसे में बिहार निवासी 45 वर्षीय राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी के 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान किशन की भी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि प्रशासन को हादसे में जख्मियों को मुफ्त इलाज मुहैया करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत शिवधाम पीरखो से महामाया मंदिर होते हुए बाहुफोर्ट तक रोपवे बनाया गया है। एक्सीडेंट जब होते हैं तो उनकी तहकीकात होती है। एक्सीडेंट जब तहकीकात होती है, पता लगता है कॉज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद ही ये बातें। जो ट्रीटमेंट मैंने देखा, डॉक्टर खुद यहाँ पर है, मेडिकल स्टूडेंट भी है, जो ड्यूटी पर डॉक्टर है वो सब है। मैंने उनको अभी एक्सरे रूम में देखा, उनकी एक्सरे हो रही है, प्लास्टर भी हुआ है जिनका फ्रैक्चर हुआ है, और ये 4 लोगों का इलाज चल रहा है। ये कौन लोग और कहाँ से थे? जो 2 गुजर गए हैं वो वेस्ट बंगाल के थे वर्कर्स, और जो बाकी 4 हैं वो उसमें 2 यूपी के हैं और 2 बंगाल के हैं। ये एक कंपनी है जो इसको बना रही है, DIRL या DMR, क्या नाम है कंपनी? DRIL। तो ये उसी के वर्कर्स हैं, ये उन्हीं का, ये अभी जो मॉक रेस्क्यू चल रहा था ये उन्हीं के लोग कर रहे थे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये कंपनी का ऑपरेशन था, अभी कंपनी वाले कर रहे थे ये, जो जिन्होंने रोपवे को बनाया है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में त्रारे शरीफ के जीना पांचाल में सुरक्षा बलों तथा आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। राष्ट्रीय राइफल्स, बड़गाम पुलिस तथा CRPF ऑपरेशन में शामिल है। बड़गाम के जीन पांचाल में सेना और सुरक्षा बलों को 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में इस समय आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ताज़ा जानकारी में यहाँ पर अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि आतंकी यहां की त्रारे शरीफ मस्जिद में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मस्जिद को चारों ओर से घेर लिया है। इस एनकाउंटर में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की ज्वाइंट टीम शामिल है। मुठभेड़ शुरू होते ही पूरे जिले को मोबाइल सेवाएं रोक दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में कठुआ के हीरानगर में मानवता को शर्मसार करने का एक और मामला राजबाग थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां 19 वर्षीय गुज्जर समुदाय की एक युवती ने अपने ही समुदाय के 14 लोगों के खिलाफ अपहरण के बाद दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। देर शाम खबर लिखे जाने तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई थी। थाना प्रभारी अमित सांगड़ा ने बताया, 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से पुलिस ने कोट भलवाल स्थित केंद्रीय जेल परिसर में रविवार को तलाशी अभियान चलाया।
इस दौरान उसने बिना सिम के दो मोबाइल फोन जब्त किए। राज्य पुलिस की एसओजी और जम्मू पुलिस ने संयुक्त रूप से अति संवेदनशील माने जाने वाली कोट भलवाल जेल में सुबह 8 बजे तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दो मोबाइल फोन मिले हैं। एसओजी ने बरामद दोनों फोन कब्जे में ले लिए हैं। तलाशी अभियान के दौरान एसओजी के अलावा एसपी रूरल दुष्यंत शर्मा, एसडीपीओ अखनूर, एसएचओ घरोटा के अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से आए जवान शामिल थे। गौरतलब है कि कोट भलवाल अति संवेदनशील जेल है। इसमें खूंखार विदेशी आतंकियों सहित कश्मीर के अलगाववादी भी बंद हैं। दुष्यंत शर्मा एसपी रूरल ने बताया कि मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, सांसद जुगल किशोर, महासचिव युधवीर सेठी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के आगामी राज्य दौरे के मद्देनजर विजयपुर में एम्स मैदान में होने जा रही रैली के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर पत्रकारों के माध्यम से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान 44,000 करोड़ की परियोजनाओं को राज्य को समर्पित करेंगे, जिसमें जम्मू संभाग के लिए 35,000 करोड़ की परियोजनाएं होंगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री राम माधव जी ने जम्मू के विजयपुर के एम्स मैदान का दौरा किया और सारा इस रैली के मुतालिक सारी जांच पड़ताल की सारी व्यवस्थाओं को देखा। ये एक बहुत बड़ा एक भव्य समारोह जम्मू के अंदर होगा। इस प्रधानमंत्री जी की इस टूर के दौरान यहाँ 44,000 करोड़ के जो प्रोजेक्टों का आधारशिला रखी जाएगी या उनको इनॉग्रेट किया जाएगा और 44,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू संभाग के लिए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद उनकी कृपा से जम्मू संभाग के अंदर जो पिछले 50 सालों से रुके हुए काम थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम शुरू होंगे और जम्मू की जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान और आशीर्वाद दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और जम्मू के विजयपुर के एम्स मैदान में 2 लाख से ऊपर जनता की रैली होगी। जनता मोदी जी को सुनने के लिए आएगी और मोदी जी का धन्यवाद करेगी जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर जम्मू रीजन, जिन्होंने मोदी जी का सहयोग किया और मोदी जी ने भी बढ़ चढ़कर यहाँ कार्यों की बौछार की है। जम्मू कश्मीर की जनता, बिलखुसूसन जम्मू संभाग के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत धन्यवादी हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए चैम्बर के प्रधान राकेश गुप्ता ने सियासी नेताओं को लताड़ा और कहा कि वे अपने सियासी फायदे के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि उनके दुबई दौरे के दौरान वहां की सरकार के साथ सांबा और ओमपुरा में ड्राई पोर्ट की स्थापना के बारे में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके 1 साल के बाद भी अभी तक उसके लिए जमीन तक अलॉट नहीं की गई। उनका प्रधानमंत्री से कहना था कि लोगों को रिझाने के लिए सिर्फ घोषणाएं ही होंगी या उन्हें अमली जामा भी पहनाया जाएगा। और आज के दिन हम कंटेस्ट करना चाहते हैं राम माधव का स्टेटमेंट, जो एहसान चढ़ा के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में सब जगह एक एम्स और जम्मू कश्मीर में 2 एम्स दिए गए। मैं उनको याद कराना चाहता हूँ कि जम्मू वासियों ने एकजुट होके 2015 में एक संघर्ष करके जम्मू के लिए एम्स लिया था। दूसरा, जो 2 इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री के, वन नेशन वन टैक्स और जो ड्राई पोर्ट का एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर रियासत की गवर्नमेंट और अबू धाबी दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड ने किया था, जो जम्मू में इस्टेब्लिश होना था, वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन दोनों चीज़ों को नकार दिया गया रियासती इंतजामिया के द्वारा। अब उसका लिए कौन जिम्मेवार है, रियासत जिम्मेवार है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस पर डेलिबरेटली चुप करके बैठा है, इन चीज़ों के लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आने वाले दिनों में चैम्बर्स और सिविल सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ट्रांसपोर्टर्स ये देखेंगे कि जो नुकसान हमें हुआ है दोनों चीज़ों का इम्प्लीमेंट ना होने से, उसके लिए हमें संघर्ष का कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिंपल ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
जिसमें उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को लेकर भाजपा को खूब लताड़ा और कहा कि भाजपा की सरकार राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही बनी थी, लेकिन जबकि अब ये पार्टी मेजॉरिटी में है तो फिर अब मंदिर का निर्माण देरी क्यों की जा रही है, जबकि देश के लोगों की राम मंदिर से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बजरंग दल के सदस्यों ने जम्मू में गैर कानूनी तौर पर बसे रोहिंग्या व बांग्लादेशियों के मामले को लेकर राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया और राज्यपाल से मांग की कि जम्मू में जितने भी रोहिंग्या व बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें फौरन जम्मू से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये लोग जम्मू के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देखिए, हमने 7 दिन पहले भी एक प्रोटेस्ट किया था बेमॉल के बाहर, तब भी हमने प्रशासन को एक चेतावनी दी थी कि अगर प्रशासन इसके ऊपर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम 7 दिन के बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। किंतु हमने ये अभी गवर्नर हाउस के बाहर एक छोटा प्रोटेस्ट किया है केवल गवर्नर साहब को जगाने के लिए, और आने वाले दिनों में यह मुहिम तेजी लाएंगे हम और इसको एक बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। हम लगातार कई वर्षों से लगातार प्रशासन को चेतावनी देते आ रहे हैं। कई सरकारों ने पहले बसाया, कई सरकारें इनको निकाल नहीं पाई, किंतु अब हमें गवर्नर महोदय जी से एक बड़ा ही एक वो थी, उनसे हम चाहते थे कि वो इनको बाहर निकाले, लेकिन उन्होंने एक आश्वासन तो दिया समाज को, किंतु वो इसके ऊपर कर कुछ नहीं सके। अब हम लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो तुरंत इनको नहीं निकालते, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो आने वाले दिनों में ये जो मुहिम है इसमें तेजी आएगी और जम्मू की जनता इसके साथ जुड़ती जा रही है, और ये जम्मू की जनता जब इसमें इन्वॉल्व होगी तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऑल जे एंड के पटवारी एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर जम्मू में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के राज्य प्रधान मुश्ताक अहमद गनई ने की। उन्होंने बैठक में आए एसोसिएशन के प्रांतीय प्रधानों व सदस्यों के साथ सारी मांगें डिस्कस की और सरकार से मांग की कि उनकी पे एनोमलीज को दूर किया जाए और बाकी मांगे भी पूरी की जाए। 2008 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था कि मेरा पटवारी, हमारे जो पटवारी हैं ये वही लगेंगे जो ग्रेजुएट होंगे, और हमारे इस वक्त तमाम लोग ग्रेजुएट हैं, और लेकिन आज तक इनको 2800 ग्रेड नहीं मिला। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आपने बाकी लोगों का ये जो आपने पे नामली दूर की है, फौरी तौर पर ये जो हमारा पे ग्रेड का मसला है, जो मेरे 1600 पटवारी है, इसको हल करें। हमारा दूसरा मसला है डीपीसी का। आप जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में हर 6 महीने के बाद डीपीसी होती है, लेकिन अफसोस वाइड हमारा ये एक डिपार्टमेंट है कि जहाँ 6 महीने छोड़ के 6-6 साल भी हमारे लोगों की डीपीसी नहीं होती है, और यहाँ पे बड़ा अफसोस होता है हमें कि हमारे प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो हमारी डीपीसी 5 साल से नहीं हुई है वो फौरी तौर पर होनी चाहिए। वो हमारे लोग इस वक्त बहुत सफर कर रहे हैं। दूसरी, हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक फाइल चल रही है, 2007 से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की फाइल चल रही है हमारी इस वक्त सेक्रेटरेट में। वो हमारा ऐसा है कि ये क्या कर रहे हैं कि ये पे हम पे डायरेक्ट नाइट तहसीलदार जब आते हैं वो उर्दू नोइंग नहीं होते हैं, उनको रेवेन्यू का एक लफ्ज नहीं आता है, और हमारे लोग जो 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को देते हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा हक बनता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम जो लोग यहाँ से प्रमोशन होते हैं पटवारी के दौर वही नायब तहसीलदार बने, न कि डायरेक्ट नायब तहसीलदार आए। वो भी हमारी फाइल इस वक्त एडवाइजर साहब के पास पड़ी है, उसका भी हमें सिवाय जेन्युइन के आज तक कुछ नहीं मिला। दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि हमारा जब इन्होंने पिछली हुकूमत ने जब यहाँ पे क्रिएशन की, इन्होंने नियाबतें बनाई, इन्होंने तहसीलें बनाई, इन्होंने SDM बनाए, लेकिन अफसोस जो पब्लिक के लिए इन्होंने काम करना था वो अफसोस है कि वो क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का करना था, क्रिएशन ऑफ गिरदौर सर्कल करना था, न इन्होंने क्रिएशन पटवार की, न इन्होंने ये गिरदौर सर्कलों की। हमारी डिमांड है पूरी जल्द से जल्द नहीं होगी, ऐसा ना हो कि हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़े कि इलेक्शन वगैरह ठप हो जाएगी, क्योंकि सारा काम हम ही लोग करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर राष्ट्रीय सैनिक संस्था की तरफ से जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पॉल त्यागी का कहना है कि आज़ादी के सही हीरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे, जिन्होंने 21 जनवरी 1943 का आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और उन्हीं की वजह से देश को आज़ादी मिली थी, मगर आज उनकी कुर्बानी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो बड़े दुख की बात है। आज हमारे यहाँ आने का मतालबा ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
परमवीर चक्र और भारत रत्न दोनों उपाधियों से एक साथ विभूषित किया जाना चाहिए। कारण ये कि वो अनडिवाइडेड इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, इसलिए भारत रत्न। और दूसरा, परमवीर चक्र देश का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान, इसलिए क्योंकि उनकी 60,000 की आजाद हिंद फौज की बहादुरी और शौर्य की वजह से हिंदुस्तान को आजादी मिली। पश्चिमी विक्षोभ के चलते गत रात्रि जम्मू में रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे मौसम में काफी परिवर्तन आया और लोगों को जहां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब उन्हें खुश्क ठंड से भी छुटकारा मिलेगा और सर्दी जुकाम से निजात मिलेगी। अगर देखा जाए तो इस बारिश से किसानों की फसलों को काफी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि फसलें सूखने की कगार पर थी और फसलों को पानी की सख्त जरूरत थी, जो अब पूरा हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन भी जम्मू में मौसम बिगड़ा रहेगा और जम्मू के पहाड़ी व निचले इलाकों में भारी बारिश होगी। सीबीयू साउथ कैलिफोर्निया अमेरिका की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस यूनिवर्सिटी के अधिकारी ने यूनिवर्सिटी की तरफ से विद्यार्थियों को दी जाने वाली उच्च शिक्षा की सुविधाओं के बारे में मीडिया को विस्तृत जानकारी दी और जम्मू के विद्यार्थी वर्ग को इन सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की। We're a university that has over 10,000 students in Southern California with undergraduate and postgraduate programs, and we're hoping to see more students coming to the United States for studies from Jammu and Kashmir. We believe that education is key to the success and advancement of the state of J&K, and love this state, and we hope to see more students applying, knowing that there's opportunities for them, there's scholarship opportunities to study in the United States after they graduate. Students have gone on to work for companies like Apple and Google, Amazon, and with that experience, I believe students could come back and really change the state of J&K with the many development projects that are going on. Even within the past 5 years, the state has changed so much with infrastructure and companies, and I believe that this state has a bright future and that education is going to be the key to its success. Thank you. अरनिया क्षेत्र के गांव अला में पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा की देखरेख में एक कन्वेंशन हुई, जिसमें पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कांग्रेस के नेता एडवोकेट एम के भारद्वाज भी इस मौके पर मौजूद थे। मेरी आज के रोज ये अपील होगी कि जहां श्री राहुल गांधी पूरे देश में जगह जगह जाके कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इस देश की बात कर रहे हैं, देश के नौजवान की, देश के किसान की, देश की महिला की, वो बातें सारी जो है यहाँ पे विशाखापट्टनम में महेंद्र भारद्वाज जी कर रहे हैं। मैं आप सबको यकीन दिलवाता हूँ कि आप आने वाले इलेक्शन में हमारी मोहब्बत में कांग्रेस को यहाँ से कामयाब करें, भारद्वाज साहब को कामयाब करें। कांग्रेस पार्टी आपको यकीन दिलवाती है कि वो भारद्वाज साहब को ऐसी पोजीशन में बिठाएगी जहाँ से वो खुद अपनी कलम से आपका काम कर पाएंगे। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की राज्य इकाई की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इसके राष्ट्रीय सचिव मुख्य अतिथि थे। उन्होंने यूनियन के कार्यक्रम स्टूडेंट्स आर नेशन बिल्डर्स को लॉन्च किया। उनका कहना था कि रियासत में होने वाले चुनाव में यूनियन की अहम भूमिका रहेगी और यूनियन के सदस्यों की यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूनियन से जोड़ा जाए। आज हम NSUA जम्मू कश्मीर द्वारा बेहतर भारत प्रोग्राम को लॉन्च करने आए हैं और इसमें हमारे तरह तरीके के अलग अलग तरीके के एजेंडा हैं, जो छात्रों की सुविधाओं से जुड़े हुए एजेंडा हैं। हम आने वाले पूरे लोकसभा तक चुनाव तक इन्हीं सारे मुद्दों पर बेहतर भारत प्रोग्राम को हम करके और छात्रों के बीच में जाएंगे और हमारा जो मेन अहम रोल रहेगा, छात्रों का जो प्रतिशत है वोट में लोकसभा चुनाव में, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी से जोड़ सकें और NSUA से जोड़ सकें। अपनी मांगों को लेकर मनरेगा वेंडर्स की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इनके प्रधान मुश्ताक अहमद गनई का सरकार से कहना था कि शुपियां कश्मीर में इस योजना के तहत 2016 में जिन लोगों ने काम किया था उनकी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई है,
उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में कारगर कदम उठाने की मांग की। ये हमारा मसला इस तरह से है कि हमने नरेगा स्कीम के तहत मटेरियल दिया है नरेगा स्कीम में, तो वो यार वेंडर्स, हम वेंडर्स हैं, हमने 2016 से लेके आज तक मटेरियल दिया है, हमने सब कुछ जो हमारी ये डीलर्स विलर्स होते हैं वो सबमिट किए हैं डिपार्टमेंट को, लेकिन डिपार्टमेंट में ये एक रूल है कि 15 दिन के अंदर नरेगा की पेमेंट वागुजार की जाती है, लेकिन हमने 2016 से आज तक काम किए हुए हैं, अभी तक हमारी जो पेमेंट है वागुजार नहीं हुई है। हम ऑनरेबल गवर्नर साहब की नोटिस में ये बात लाना चाहते हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कि प्लीज़ एंड प्लीज़ अब हमारी जो ये बात है ये उन तक आपके जरिए पहुंचनी चाहिए और हमारे जो पैसे हैं ये किसी तरीके से वागुजार होने चाहिए। और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, दीज आर ऑल द वेंडर्स ऑफ नरेगा स्कीम, ये कहते हैं कि इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है और उस लोन का इंटरेस्ट इनको भारी चढ़ हमारे पे चढ़ता रहता है, लेकिन जो इनको काम करना था उसकी वजह से काम भी इन्होंने कंप्लीट किया, बिल्स भी सबमिट किए हैं, बट अभी तक इनको वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, इनके बच्चे अब भागाकशी करने पर मजबूर है। अगर ऐसा नहीं हुआ, पैसे वागुजार नहीं किए गए, तो हम अपने जिले में जो भी हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं हम वो बंद कर लेंगे, हड़ताल कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं हमारी पेमेंट वागुजार नहीं हो सकती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कश्मीर काउंसिल की तरफ से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें काउंसिल का कहना था कि रियासत में जो लोकसभा व विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसे लेकर पार्टी सोच विचार कर रही है कि इस चुनाव में उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। चर्चा इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा के भी चुनाव है, उसमें हम लोगों की क्या स्थिति होगी, क्या रणनीति होगी, क्या हम लोगों का दृष्टिकोण होगा मतदाताओं के लिए, हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए अर्थात कॉरपोरेशंस के और म्यूनिसपैलिटीज़ के चुनाव हुए, ग्राम सभाओं के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, निचले स्तर तक जो चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर जनता की भागीदारी कितनी थी, उस भागीदारी के परिणाम क्या हुए, ये जो चौखंभा राज बनाने की हम लोगों की कोशिश है या जो संविधान में हमारे अंदर एक अधिकार दिए हैं पंचायतों के, तो उन पंचायतों को जो अधिकार दिए जा रहे हैं उन अधिकारों के साथ साथ क्या जनता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी इच्छा अनुसार अपनी सोच के अनुसार जो है पंचायतों का निर्वाचन कर रही है, पंचायतों के पदाधिकारी चुन रहे हैं। इन चुनाव में हमको ये भी देखने में आया है और सारे देश के अंदर मीडिया के अंदर और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम लोगों को संपर्क करने पर ज्ञात हुआ है कि कई जगहों पर ऐसे ऐसे पदाधिकारी नगर पंचायत के कॉरपोरेशंस के मेयर ऐसे चुने गए जिनको कुल 7 या 10 वोट मिले हैं या जिन्हें बहुत कम प्रतिशत वोट मिला है। तो संसदीय जनतंत्र के अंदर बहुत सीमित क्षेत्र में अगर लोग मताधिकार का प्रयोग करके कुछ पदाधिकारी बन जाते हैं तो कितनी जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू रोपवे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा, 2 की मौत, 4 घायल, मृतकों के परिवार को 5 लाख की सहायता की घोषणा। बड़गाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 आतंकी ढेर। कछुआ में युवती का अपहरण कर 14 लोगों ने किया दुष्कर्म, पीड़िता ने पुलिस से बयां किया दर्ज। और गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से पुलिस ने कोट भगवाल स्थित केंद्रीय जेल परिसर में चलाया तलाशी अभियान। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।